हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट ह्यूमन बॉडी वर्ड्स और अबाउट ह्यूमन बॉडी। द ह्यूमन बॉडी इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो हमारा शरीर है या मानव का शरीर है वो मानव की एक संरचना है। इट इज़ कंपोज्ड बाय मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ये बहुत सारी सेल्स या सेल्स से मिलकर बना होता है। दैट टुगेदर क्रिएट टिश्यूज़। और यही सेल्स या कोशिकाएं मिलकर बहुत अलग अलग प्रकार की ऊतकों का निर्माण करती हैं और बाद में सबसिक्वेंटली ऑर्गन सिस्टम और बाद में एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करती हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अराउंड 37 ट्रिलियन सेल्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो करीब 37 ट्रिलियन सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। ह्यूमंस आर बॉर्न विथ 270 बॉन्स। जो इंसान जब पैदा होता है तो उसके शरीर में अबाउट करीब 270 या 270 बॉन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। सेवरल ऑफ दीज बॉन्स फ्यूज टुगेदर बाय एडल्टहुड। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है इनमें से बहुत सारी जो बॉन्स होती हैं या हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ जाती हैं, मेकिंग ए टोटल ऑफ 206 बॉन्स इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी। और जब इंसान की जो बॉडी है या इंसान वयस्क होता है या अडल्ट होता है तब उसके शरीर में करीब 206 बॉन्स रह जाती हैं। अब आपको ह्यूमन के बॉडी में जो अंग होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अंग है जो कि स्मॉल इंस्टेस्टाइन एंड लार्ज इंस्टेस्टाइन यानी कि छोटी आंत या बड़ी आंत के नीचे एक ट्यूब की तरह होता है। माउथ। माउथ के बारे में आप सब जानते ही हैं। लीवर। लीवर एक लीवर यकृत को बोलते हैं। ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में सोता है हमारी ग्रंथियाँ। वेन्स में सोता है नसें। जॉइंट्स में सोता है जोड़ यानी कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं वो। स्किन में आप जानते ही हो त्वचा। स्प्लिन। स्प्लिन होता है प्लीहा। प्लीहा मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक भाग होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ब्लड सेल्स को क्रिएट करता है और उन्हें रिमूव भी करता है। नर्व्स मतलब तंत्रिका तंत्र होता है। स्मॉल इंस्टेस्टाइन मतलब छोटी आंत। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।